एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। कौन सी वो सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको इस ऑसम कंट्री का सिटीजन बनाती हैं? इसके फिलोसॉफिकल आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आंसर वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और सबसे आसान वर्ड्स में कहा जाए तो इंडियन वही है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। हाय, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग पॉलिटी, और आज हम बात करेंगे अबाउट बीइंग इंडियन। पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, यानी कब और कब तक किसी को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। पहले तो एक बात याद रखने की है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, यानी हर इंडियन सिर्फ इंडिया का सिटीजन है, ना कि पंजाब का या दिल्ली का या केरला का। यानी यहाँ स्टेट सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिटीजनशिप के लिए फॉलो होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके मुताबिक सिटीजनशिप बहुत तरीके से मिल सकती है, जिसमें से ज्यादातर लोगों को मिलती है बाई बर्थ। अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1951 से 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन है, चाहे उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन ना हो। 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में यहाँ पैदा होने वाले सभी लोगों को इंडियन सिटीजन माना जाएगा, अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद यहाँ पैदा होने वाले लोग तभी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे अगर उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, या फिर सिर्फ एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट उसे कहेंगे जो या तो बिना पासपोर्ट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के इंडिया में आया है, या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आया है लेकिन उस वक्त की परमिशन जितनी मिली थी उससे ज्यादा वक्त तक वो यहाँ रह रहा है। सो बाई बर्थ के बाद दूसरा सिटीजनशिप का तरीका है बाई डिसेंट। अगर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक के बीच में कोई इंडिया से बाहर पैदा होता है और अगर उसका बाप इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन होगा। लेकिन अगर उसका बाप इंडियन सिटीजन बाय बर्थ नहीं बल्कि बाय डिसेंट है, तो उस बच्चे को पैदा होने के एक साल के अंदर किसी इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करवाना होगा। अगर एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो फिर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी ये रूल सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि अब सिटीजनशिप का क्राइटेरिया सिर्फ बाप की सिटीजनशिप नहीं बल्कि माँ की भी सिटीजनशिप हो सकती है। और 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले बच्चे इंडियन सिटीजन नहीं होंगे जब तक कि उनके किसी इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर के एक साल के अंदर रजिस्टर ना कराया जाए और ये शो किया जाए कि बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। अगला है सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी शख्स सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अगर ये क्राइटेरियाज हों। पहला ये कि वो शख्स इंडियन ओरिजिन का हो और रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल यहीं रह रहा हो, या फिर वो इंडियन ओरिजिन का हो और अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर कहीं रह रहा हो, तब भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रहे कि अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है पार्टीशन से पहले जिस एरिया को इंडिया का हिस्सा बनाने की बात थी, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के एरियाज। तीसरा तरीका है कि अगर उस शख्स ने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की और 7 साल से यहीं रह रहा हो, वो नाबालिग बच्चे जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, बालिग शख्स भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके दोनों पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं, या फिर उसके कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन थे और अप्लाई करने से इमीडिएट 1 साल वो यहीं रहते थे, या फिर वो बालिग लोग भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम 5 साल से OCI या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और एप्लीकेशन से इमीडिएट 1 साल से यहीं रहते हों। इसके अलावा किसी भी नाबालिग बच्चे को रजिस्टर किया जा सकता है अगर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस किया जा सके कि ये एक स्पेशल केस है। और फाइनली नेचुरलाइजेशन से भी सिटीजनशिप मिल सकती है, यानी अगर शख्स इंडिया में 12 साल से रह रहा हो और भले ही उसके कोई भी पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के नहीं हो, तब भी वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। कमाल की बात यह है कि चाहे कोई शख्स किसी भी ओरिजिन का हो, एक बार उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल गई तो फिर उसके साथ ओरिजिन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है, यानी एक नेचुरलाइज सिटीजन भी कंट्री का PM बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, OCIs के लिए नहीं। OCIs को पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब, और ना ही वो लोग किसी पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिटीजनशिप को वापस भी लिया जा सकता है, या तो कोई अपनी सिटीजनशिप वॉलंटरीली छोड़ दे, या फिर अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो अपने आप उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। और तीसरा, गवर्नमेंट चाहे तो किसी से इंडियन सिटीजनशिप छीन सकती है।
अगर किसी ने फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गद्दारी की हो, या किसी इलीगल ट्रेड या जंग में दुश्मन की मदद की हो, या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर वो किसी दूसरी कंट्री की जेल में 2 साल तक रहा हो, या फिर लगातार 7 साल से वो किसी दूसरी कंट्री के रेसिडेंट के तौर पर रह रहा हो। जो लोग भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके यहाँ पर कुछ राइट्स हैं जो दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे। बाय द वे, जो लोग इंडियन सिटीजन नहीं है उनके लिए टेक्निकल टर्म है एलियंस। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 32। इसे कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दरअसल वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं जो इंडिया की असल स्पिरिट है। ये राइट्स वैसे तो हमेशा हमारे पास हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कोर्ट इन्हें ओवरराइड कर सकता है। ये राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फॉर टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अलावा कुछ और लीगल राइट्स भी होते हैं जो पार्ट 3 के बाहर हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में राइट्स टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से निकालकर सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। सो अभी सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक बात और याद रखने की है कि एक्सप्लॉयटेशन और अनटचेबिलिटी के अलावा बाकी सभी चीजों के राइट्स सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और कोई प्राइवेट बॉडी इन्हें वायलेट कर सकती है। अब हम एक के बाद एक सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले है राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 हमें बताता है कि इंडिया में कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है और किसी को भी कानून के सामने स्पेशल प्रिविलेज हासिल नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिस पर यह आर्टिकल लागू नहीं होता है। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट या गवर्नर से यह सवाल नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने अपने किसी लीगल पावर का इस्तेमाल क्यों किया या क्यों नहीं किया। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन मना है, लेकिन गवर्नमेंट औरतों, बच्चों और एससी और एसटी क्लास के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है। आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कोई स्टेट चाहे तो एलिजिबिलिटी एग्जाम ले सकती है या कुछ पोस्ट्स को सिर्फ उस स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव कर सकती है। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी यानी निचले कास्ट के लोगों के साथ ना मिलना इलीगल है। और आर्टिकल 18 में बताया गया है कि गवर्नमेंट मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा किसी भी तरह के टाइटल्स नहीं दे सकती है और ना ही कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरी कंट्री का कोई टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और दूसरे अवार्ड्स वगैरह टाइटल्स में गिने नहीं जाते। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि हर सिटीजन को राइट है कुछ भी कहने का, बिना हथियार के सब एक साथ जमा होने का, यूनियंस और एसोसिएशंस बनाने का, इंडिया में कहीं भी जाने का और सेटल होने का, और कोई भी प्रोफेशन अपनाने का। याद रहे कि इंडिविजुअल के अलावा प्रेस पर भी अप्लाई होता है ये रूल, यानी अलग से कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, बल्कि यही आर्टिकल 19 वहां भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, जिसमें यह है कि किसी को तभी कॉन्विक्ट किया जा सकता है जब उसने कोई लॉ ब्रेक किया हो और उस पर उतनी ही सजा होगी जितना लॉ प्रिस्क्राइब करता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा किसी को भी एक गलती की 2 बार सजा नहीं मिलेगी और ना ही कोई जबरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी को भी बिना किसी जुर्म के बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। 86th अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 20A ऐड किया गया, जिसके मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन भी कंपलसरी कर दी गई। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो साफ तौर पर लिखे हुए नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन से साबित किए जा सकते हैं, इन्हें इन्फर्ड राइट्स कहते हैं। आर्टिकल 21 के इन्फर्ड राइट्स हैं वर्कर्स के हेल्थ की राइट, किसी की प्राइवेसी का राइट, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का राइट, कम तनख्वाह या रैंडमली नौकरी से निकाले जाने का इनकार का राइट, अंडर ट्रायल यानी वो लोग जो फैसले के इंतजार में जेल में हैं उनके स्पीड ट्रायल की राइट, क्रूअल पनिशमेंट के खिलाफ राइट्स, शेल्टर की राइट और मुफ्त में लीगल हेल्प की राइट। और आर्टिकल 22 में है अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ राइट्स, यानी गवर्नमेंट अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उस शख्स को पूरा हक है ये जानने का कि उसको किस जुर्म में पकड़ा गया है और उसे अपने केस लड़ने का भी पूरा हक है। कभी कभी किसी को डिटेन किया जाता है इसलिए नहीं कि उसने कुछ जुर्म किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जुर्म कर सकता है। ऐसी हालत में उसे 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। अब आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इलीगल बताया गया है और आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि हर सिटीजन को किसी भी रिलीजन को अपनाने, उसको फॉलो करने और उसको फैलाने का पूरा हक है, लेकिन अगर उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या मोरालिटी के इश्यूज उभरेंगे तो गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर चीज पर बैन भी लगा सकती है।
इसके अलावा अगर किसी सेकुलर एक्टिविटी का इस्तेमाल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए होता है तो अब भी गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। आर्टिकल 26 में बताया गया है कि किसी भी रिलीजन को अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने का हक है, अपने रिलीजियस मैटर्स को हैंडल करने का हक है और प्रॉपर्टी रखने का हक है। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि रिलीजियस प्रोपगेशन में लगे पैसे पर टैक्स नहीं है। आर्टिकल 28 में है कि किसी भी गवर्नमेंट फंड के चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी, लेकिन अगर वो किसी ट्रस्ट के जरिए चल रही है तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। और अगर किसी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इवेंट कंडक्ट किया जाए तो उसमें किसी को भी शामिल होने पर फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 में किसी भी माइनॉरिटी के डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का राइट है। और ये भी बताया गया है कि किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना देना गैर कानूनी है। फिर आर्टिकल 30 में बताया गया है कि रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी वाले लोगों को अपनी इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा हक है और गवर्नमेंट इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इसमें एक आर्टिकल 31 भी था जिसे 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के बाद ऑमिट कर दिया गया। और आखिरी राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें है सिर्फ आर्टिकल 32 जिसके मुताबिक अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स दरअसल 5 तरह के होते हैं। पहला है हेबस कॉर्पस, लैटिन में इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अगर किसी को बिना किसी वजह के डिटेन किया गया है तो कोर्ट उस अथॉरिटी के खिलाफ रिट इशू कर सकती है। उसके बाद है मैंडमस जिसका मतलब होता है कमांड, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी पब्लिक अथॉरिटी को रिट के जरिया पब्लिक ड्यूटी करवा सकती है। उसके बाद है सर्टियोरी, सर्श्योररी लैटिन में जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इससे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के फैसले को क्वाश कर सकती है। क्वाश, नॉट स्क्वाश। क्वाश का मतलब होता है रिजेक्ट करना, लेकिन यहां इसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, और ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। इट्स टू ऑर्डिनरी टू बी अ रिट्स नेम। और इसे ज्यादा ऑर्डिनरी करके हम कहते हैं स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट की किसी कार्रवाई को रिट इशू करके रोक सकती है। और आखिरी रिट है कुओ वारंटो। यस, दैट्स हाउ इट शुड बी। इसका मतलब है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इस रिट के जरिए किसी शख्स को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर वो उसके एलिजिबल ना हो तो। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। एक बात याद रहे कि ये राइट्स इमरजेंसी के वक्त वैलिड नहीं होते हैं। 44th अमेंडमेंट 1948 के तहत ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हाल में वायोलेट नहीं किए जा सकते हैं, इवन इन इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP की। ये फंडामेंटल राइट्स की सिस्टर पार्ट है जिसे पार्ट 4 में रखा गया है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। दरअसल ये वो उसूल हैं जो हमारी कंट्री के मोरल और सोशल स्ट्रक्चर बनाती है। इसकी खास बात यह है कि इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई DPSP को फॉलो नहीं करता तो उस पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी फैसला देते वक्त कोर्ट को DPSP का ख्याल रखना चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है कि यह हमारी कंट्री के संस्कार हैं। ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से डील करते हैं। ये है हमारे DPSP। आर्टिकल 38 में है सोशल ऑर्डर की हिफाजत करना जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। 39 में है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इस तरह बनाए कि ये चीजें उससे मिले। सभी सिटीजन को रोजगार का सही जरिया, रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिससे पूरी कम्युनिटी का फायदा हो, अगर कहीं पैसा जमा होने से कम्युनिटी को कॉमन लॉस है तो उसको रोकना, मर्दों और औरतों को बराबर काम और तनख्वाह, वर्कर के हेल्थ का ख्याल और उनको ऐसे काम से रोकना जो करना उनकी उम्र के हिसाब से सही ना हो। आर्टिकल 40 में है विलेज पंचायत बनाई जाए एज सेल्फ गवर्निंग बॉडी। 41 में है कि बेरोजगार, बूढ़े और बीमार लोगों के राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। 42 में है कि सभी को अच्छा वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। 43 में है कि घरेलू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए ताकि सबों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा सके। 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कंट्री के लिए। 45 में है 14 साल तक के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। 46 में है SC ST और दूसरे कमजोर सेक्शंस के लिए सोशल और इकोनॉमिक मामलों में खास ख्याल रखना। 47 में है पब्लिक हेल्थ का ख्याल और शराब और ड्रग्स को बैन करना। आर्टिकल 48 में है एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना और गाय,
या मिल्च यानी जो जानवर जिनका दूध हम इस्तेमाल करते हैं, और ड्रॉट कैटल यानी जो जानवर जिनसे हम मेहनत का काम करवाते हैं उनके स्लॉटर को रोकना। 49 में है हर हिस्टोरिकल और नेशनल इंपॉर्टेंस वाली मॉन्यूमेंट की हिफाजत करना। 50 में है जुडिशियरी का पार्लियामेंट से अलग रखना। और फाइनली आर्टिकल 51 में है कि ये कोशिश करना कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम रहे, कंट्रीज के बीच अच्छी रिलेशन कायम रहे, और अगर कंट्रीज के बीच कुछ अनबन हो जाए तो उसे आर्बिट्रेशन के जरिए सॉल्व किया जाए यानी समझौता किया जाए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में चार और DPSP ऐड हुए। आर्टिकल 39A जिसके मुताबिक ये लीगल सिस्टम जस्टिस को प्रमोट करता है बाय इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 39 में भी एक और पॉइंट ऐड किया गया कि बच्चों और नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और इस चीज का ख्याल रखना कि उनको मोरल और मटेरियल सपोर्ट मिले। एक्सप्लॉयटेशन से बचाना सिर्फ बच्चों को, दैट्स नॉट फेयर। आपको पता है हमारी कंट्री में बच्चों से ज्यादा बड़े लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है। आप लोग में से जो भी IT सेक्टर में काम कर रहे हैं वो समझते होंगे व्हाट आई मीन टू से। फिर आर्टिकल 43A ऐड किया गया कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, और आर्टिकल 48A में है कि एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाए। फिर एक बार DPSP को चेंज किया गया इन 44th अमेंडमेंट 1978 जिसमें आर्टिकल 38 में एक और पॉइंट ऐड किया गया कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स या ग्रुप के बीच का स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी के डिफरेंस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं जो पार्ट 4 में नहीं है। आर्टिकल 350A के मुताबिक अथॉरिटीज को माइनॉरिटी को उनके मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। 351 में है कि गवर्नमेंट को हमेशा हिंदी लैंग्वेज को पूरी कंट्री में प्रमोट करना चाहिए, और 355 में है कि SC और ST लोगों को यूनियन और स्टेट सर्विसेज के लिए कंसिडर करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और DPSP में फर्क यह है कि फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है यानी वो गलत चीजों से रोकता है, बल्कि DPSP अच्छी चीजों को बढ़ावा देता है। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है जबकि DPSP जस्टिशिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बुनियाद है जबकि DPSP सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट और DPSP में कन्फ्लिक्ट हो तो हमेशा फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 में एक नया पार्ट बनाया गया, पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें 10 पॉइंट्स रखे गए हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ये भी DPSP की तरह जस्टिशिएबल नहीं है यानी इनको फॉलो करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है और ना ही इनको वायलेट करने की कोई सजा है। लेकिन जिस तरह DPSP गवर्नमेंट के संस्कार हैं उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स के संस्कार हैं। ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करना, उन आइडियल्स को बढ़ावा देना जिनसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कामयाब हुआ, इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, जब जरूरत पड़े तो कंट्री को डिफेंड करना एज ए नेशनल सर्विस, सभी इंडियंस के बीच इकाई और यूनिटी का जज्बा पैदा करना जो लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन के से बढ़कर हो, और ऐसे कस्टम्स को रद्द करना जिसमें औरतों को कमजोर किया जाए, हमारे कॉम्प्लेक्स और रिच कल्चर को प्रिजर्व करना, हमारे नेशनल एनवायरनमेंट की हिफाजत करना जैसे झील, नदियां, जंगल वगैरह, और जानवरों के लिए कॉम्पैशन रखना, अपनी जिंदगी में साइंटिफिक टेम्पर को अपनाना यानी कुछ करने से पहले लॉजिकली सोचना, ह्यूमनिज्म को और अपनाना, और इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का जज्बा रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करना और वायलेंस को अवॉइड करना, और आखिरी है कि हर फील्ड में एक्सीलेंसी को अचीव करना ताकि एज ए नेशन हम लोग ऊंचे लेवल पर जा सकें। 86th अमेंडमेंट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड हुई इस लिस्ट में, और वो है कि हर इंडियन पेरेंट को चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये थी इंडियन स्टेट और इंडियन सिटीजन्स की कुछ जिम्मेदारियां और राइट्स। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द सेंटर। अंटिल देन टेक केयर। This show is brought to you by Semicircle. A special thanks to our Polity consultant Saz Mohammed, our music composer Zoran Sajid, and our graphics team Pixel Theory. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन टू semicircle.in। Thanks for watching.